और रैंक 5 दोनों हैदराबाद से। हेलो बच्चों, रैंक तो फाइव यार में अभी उसी साल एडमिशन एंडिंग पे चल रहे हैं, ठीक है ऑलमोस्ट सर। अच्छा, सारे के सारे उसका एडमिशन एडमिशन 10 मिलियन क्लोज डॉलर्स हो पे, चुके हैं, उसे उसी ठीक शहर है। के और 1.5 अब मिलियन ऑलमोस्ट डॉलर्स पे सारे ना ऐसे एडमिशन कोई डायरेक्ट, क्लोजिंग पे चल रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन चल रहे हैं। वो ये सर एक आई के जीपीटी आई थिंक वन अच्छा पॉइंट स्टेट वन पॉइंट गवर्नमेंट सिक्स बिलियन कॉलेज डॉलर्स है, पकड़ ठीक रहे हैं। है। और तो अगर बात कोलकाता करें में एमआर एस आपसे पी टू बेटर भी रैंक ठीक किसी ठाक ने है, नहीं। तो उस पर भी जस्ट ये जस्ट एक ही सेम ही सो है, डोंट वरी गाइस, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या, लेट्स यार कुछ फोकस ऑन द बच्चे नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन। भी थे जिन्होंने सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट टारगेट किया था, आई सी जी पी यस टू कपूरथला, यस ठीक है। ए आई अब हमारा यार कुछ जस्ट बना कपूरथला कैसे मिल पाएगा सी एस उनको, ठीक है। सी एस कैसे मिल सकता है सभी को? ऑलमोस्ट बच्चे ऐसे बहुत सारी ख्वाजी रह रही है कि भैया मैंने तो सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट डाला था, आई के जी पी टी कपूरथला, उसके अंदर एक ही ब्रांच था सी एस, तो मेरे को तो कुछ अलॉट हुआ ही नहीं, वहाँ पे आया नहीं कुछ अलॉटमेंट। तो यार अब जस्ट अभी जैसे सी एस की अगर बात करें तो सी एस तो जो लोअर कॉलेजेज है ना, प्राइवेट कॉलेजेज, वहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। ऐसी ऐसी कंडीशन बनी हुई है अभी कि वहाँ पे भी सी एस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। पैसे देने के बाद भी नहीं मिल रहा है सी अरे एस की सर सीटें, तो ठीक है। दूसरा यहाँ की यानी कि जस्ट पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इंजीनियर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। कॉलेजेस कम है, सीटें बहुत कम है, लेकिन हाँ कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अभी भी मिल सकता है तुमको, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। आज अगर बात करें तो जेक चंडीगढ़ का लास्ट डेट है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का। आज के बाद रात को 11 बजे तक कर पाओगे, ठीक है। तो जेक चंडीगढ़ को देख सकते हो यार, उसके अंदर भी कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेज है, जैसे यूआईटी चंडीगढ़ है, यूआईटी होशियारपुर है, ये मोहाली वाला है, ठीक है, ठीक ठाक कॉलेजेज है। राजस्थान के अंदर भी अभी जस्ट स्पोर्ट राउंड होगा, लेकिन हाँ राजस्थान में भी वही जस्ट वो भी एजुकेशन हब रह गया, तो कितनी ज्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है, राजस्थान में भी नहीं मिल पाएगा। जोसा और सीएस अभी में जिन बच्चों ने 12th JEE का एग्जाम नहीं दिया, या फिर उनके पास जिनके JEE में कम परसेंट आया है, तो उनका तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वहाँ उनके पास तो यार लिमिटेड सीट्स होते हैं, तो जोसा और सीएस अभी तक वेट करोगे, अगर अगर नहीं मिल पाया तो फिर क्या होगा फिर तुम्हारा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस आई के जी पी टी वगैरह की, तो यहाँ पे तो जस्ट अभी डायरेक्ट एडमिशन चल रहे हैं, ठीक है, तो ले सकते हो या डायरेक्ट एडमिशन तो ले रहे हो, लेकिन हाँ सी एस तो मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, रेयर केस के अंदर मिलेगा, और वो भी फ्री के अंदर, तो तुम्हें पता है कैसे मिल पाएगा, ठीक है। तो वो तो पॉसिबल है नहीं तुम्हारा सी एस तो। अब बच्ची लोअर ब्रांचेज अगर मैं बात करूँ आई के जी पी टी की, तो इसमें आई टी तो है नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वरना तो सेकेंड ऑप्शन यही होता है कि भैया फर्स्ट सी एस सेकेंड आई टी, दो ही ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। तो सी एस मिल नहीं रहा, आई टी है नहीं, अब क्या करें, अब तो क्या लेंगे फिर, देखते हैं फिर। तुम्हारा ऑप्शन हो सकता है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यार मैकेनिकल का तो उतना अच्छा नहीं है वैसे पोजीशन, ठीक है। मैकेनिकल की जगह तुम जस्ट दो कोर्सेस आई थिंक मुझे जो सबसे अच्छे लगते हैं, वो है एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट कंपटीशन बहुत कम है इस जो ये जो है प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इंस्टीट्यूट ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ पंजाब के अंदर, तो ऑलमोस्ट कितने इंस्टीट्यूट होंगे, एलपीयू है, ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। अब तुमको प्राइवेट से खतरा लगता है तो प्राइवेट में तुम जाने ही नहीं चाहते, ठीक है, हमें तो गवर्नमेंट चाहिए। तो गवर्नमेंट की अगर अपन बात करें तो एक हमारा इंस्टीट्यूट है पीएसएसी पटियाला, ठीक है, इसके अंदर अभी कुछ सीट्स बची हुई है, ठीक है, डायरेक्टली ले सकते हो, ओके, इंस्टीट्यूट देख लो अभी, ठीक है, psac.ac.in, ठीक है, लिखना पड़ेगा तुम्हारे लिए। जो भी यार मैकेनिकल वगैरह कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको मेरा सजेशन है कि तुम एरोस्पेस वगैरह ले लो, ठीक है, डायरेक्टली एडमिशन मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। और ये भी वो ऐसे कोई ऐसा वैसा तो है नहीं, ठीक है, मतलब अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, गवर्नमेंट है, ओके, एंड दिस इज एफिलेटेड इन एमआरएसपीटीयू, यार नया कॉलेज है, लेकिन हाँ आई थिंक तुम्हें कुछ सीखने को मिल सकता है अच्छा, ठीक है, क्योंकि दिस इज सिचुएटेड इन मिलिट्री बेस, इंडियन आर्मी कैंपस, इंडियन एयरफोर्स कैंपस, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे मिलिट्री एरिया है, तो आई थिंक यहाँ पे जस्ट एरोप्लेन वगैरह देखते हैं उड़ते हुए, ठीक है, ठीक ठाक एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं उधर, कुछ जस्ट मिलिट्री के जो भी होते हैं इनके एयरक्राफ्ट वगैरह ये भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे एरोप्लेन वगैरह देख लो, ओके। तो ये यहाँ पे सच में अवेलेबल है यार, जामिया वगैरह में तो तुम्हें जस्ट फोटोज ही दिखाए जाते हैं, ठीक है, एसआरएम के पास भी नहीं है, लवली के पास भी नहीं है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास भी नहीं है, चितकारा के पास भी नहीं है, ठीक है, उनके पास जस्ट लाइक लैब वगैरह भी होते हैं, ठीक है, इनके पास भी अच्छे अच्छे लैब्स हैं। यार ये आप लोगों ने इसके बारे में ज्यादा सुना नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज दिस इज ए न्यू इंस्टीट्यूट,
ठीक है, 2017-18 में ओपन हुआ है, और आई थिंक इस साल इसका फोर्थ ईयर है। ठीक है, तो नया इंस्टीट्यूट है लेकिन अच्छा है। ठीक है, तो मैकेनिकल वगैरह करने से तो अच्छा है, तुम एरोस्पेस एरोनॉटिकल ही कर सकते हो यार। ठीक है, लेटर लेटर भी ले सकते हो, और फर्स्ट ईयर के अंदर भी सीटें मिल सकती है तुम्हें इजीली। ठीक है, ये जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है इस पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, और जस्ट यहाँ पे भी ऑलमोस्ट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, और डायरेक्टली एडमिशन मिल जा रहा है अभी। ठीक है, कोई काउंसलिंग वगैरह पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली फॉर्म फिल करो, यूनिवर्सिटी में आओ, देखो और एडमिशन लो। ठीक है, और एडमिशन लेने वालों को चॉकलेट। ठीक है, तो जस्ट अब अपन बात करते हैं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है यार, जैसे MRSPTU के अंदर कुछ सीट्स खाली है। अब जैसे मैकेनिकल वगैरह करने का तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो तुम्हें कुछ और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज बता देता हूँ, जैसे फूड टेक्नोलॉजी में कर लो। ठीक है, बहुत मजा आएगा, फूड टेक्नोलॉजी जो होता है। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी में कर लो, कोई परेशानी नहीं होगी तुमको। ओके, तो अपन चलते हैं MRSPTU की वेबसाइट पे। ओके, और भी यार कुछ इंस्टीट्यूट है, जैसे राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में ऑलमोस्ट खत्म हो गया, सारी सीटें रीप में ही भर चुकी है। ठीक है, एक ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है। ठीक है, अच्छा प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है वैसे उसका। ठीक है, तो तुम उसमें ले सकते हो, कुछ सीट्स अभी CS की भी मिली हुआ है शायद, बची हुई है। ठीक है, चंडीगढ़ का जो ये चल ही रहा है जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली जो है वो भी रनिंग में चल रहा है। ठीक है, और ऑलमोस्ट सारे एंडिंग पे है, जो गुजरात का जो था वो बहुत पहले खत्म हो गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर अपन बात करें तो यार, तुम लोगों ने अगर CUCT का एग्जाम नहीं दिया है तब तो कुछ नहीं हो सकता। अगर एग्जाम दिया है और मार्क्स अगर माइनस में भी है तब तो हो सकता है कुछ, लेकिन अगर एग्जाम ही नहीं दिया जिन बच्चों ने, उनका तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट स्कोर कार्ड होना चाहिए, वो चाहे माइनस का हो प्लस का हो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ स्कोर कार्ड जरूर होना चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, और ये एक कॉलेज है MRSPTU जिसे हम बोलते हैं। तो यार जो बच्चे ऐसे कांटेक्ट करते हैं कि भैया हमें ज्ञानी जेल सिंह मिला है और हमें MRSPTU में एडमिशन चाहिए मेन कैंपस में, और ज्ञानी जेल सिंह तो हमने सुना है बहुत बुरा कॉलेज है और MRSPTU में चाहिए, तो उनको बता दूं कि ज्ञानी जेल सिंह को ही वैसे MRSPTU बोलते हैं। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह इसका मेन कैंपस है यार, बहुत अच्छा कैंपस है वो। ठीक है, और ये इसका जो मेन कैंपस है उसी को ज्ञानी जेल सिंह बोलते हैं, और दिस इज ओपन इन आई थिंक 1988-89 में ओपन हुआ है। ठीक है, प्लेसमेंट भी उसका ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है, ठीक ठाक नहीं। ठीक है, और उसके पास MOU प्रोग्राम है, आप सभी को पता ही होगा MOU प्रोग्राम, जस्ट लाइक 2 years इन यूनिवर्सिटी 2 years इन इंटरनेशनल। ठीक है, तो यार इसके पास जस्ट अभी ये जो कोर्सेस है ये तो एरोस्पेस एरोनॉटिकल तो PSAC पटियाला में है, तुम सभी को पता ही होगा। ठीक है, और अभी जस्ट इसके पास कुछ ट्यूशन फीस की जो फीस यूनिवर्सिटी होती है, जैसे TFW वो बी फार्मा के अंदर खाली पड़ी है, ठीक है उसमें ले सकते हो। ठीक है, TFW मिल जाएगा आसानी से जिन बच्चों को बी फार्मा में लेना है। ठीक है, ये BBA इन एविनेशन और BMS वगैरह ये सब PSAC पटियाला में है। ठीक है, और MSc है, और ये जो AICT कोर्स अप्रूव्ड है, ये जो इसका मेन कैंपस है। ठीक है यार, फूड टेक्नोलॉजी आई थिंक फ्यूचर के अंदर बहुत बहुत ही ज्यादा डिमांड है इस कोर्स की, इंस्टीट्यूट बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि खाना सभी लोग खाते हैं। ठीक है, जो अर्थ के बाहर के लोग हैं मार्शियन वो भी खाना खाने लगे हैं आजकल। ठीक है, तो जस्ट फूड टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, जिसको चांद पर उधर बाहर जाना है वो एरोस्पेस की ओर आ जाए। ठीक है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ उस पे, जिसको भी चांद पर जाना हो या फिर मार्स पे जाना हो, अपने प्लेनेट पे जाना हो, कोई दूसरे प्लेनेट पे है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले। ठीक है, डायरेक्टली एरोस्पेस करके स्टडी करके जा सकता है कि वो कौन से प्लेनेट से आया है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। जिसको CS की सीट चाहिए पेड, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में, वो नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले। फ्री के अंदर इतने थिन थी, अब फ्री नहीं है CS की सीट्स, वो भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर। ठीक है, तो डायरेक्टली करवा देते हैं, किसी को अगर चाहिए हो तो हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है, बाबा को प्रसाद खिलाओ, एडमिशन पाओ इन CS कंप्यूटर साइंस। ओके, और जस्ट माइक्रोसॉफ्ट गूगल अडोबी जीसॉक ये सब क्रैक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।